हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अर्पित मिश्रा एंड आई एम बैक विद अनदर एविएशन वीडियो बेस्ड ऑन मॉड्यूल 9, दैट इज ह्यूमन फैक्टर. दिस टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम नॉन टेक्निकल टॉपिक्स, दैट इज व्हाट आर द रोल ऑफ सुपरवाइजर्स, व्हाट इज लीडरशिप, व्हाट आर मैनेजर्स एंड व्हाट आर देयर रोल्स, व्हाट इज पीयर प्रेशर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, how communication affect our maintenance, apart from this how physical environment affect the maintenance, and then we will also see what is the importance of this human factor in our aviation maintenance, and also peer pressure in an organization. So there are several topics in this particular module which I am going to share with you. So be with me till the end of this video session, and I will be uploading many videos on this particular subject. So watch all those videos, and I'll try to post as soon as possible all the videos. So let's get started. So अब बात करते हैं टीम वर्क के ऊपर, how it affect human factor. So पॉइंट वाइज जाएंगे और देखते हैं टीम वर्क क्यों इम्पॉर्टेंट है किसी सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए और ह्यूमन फैक्टर पे ये कैसे अफेक्ट डालता है. लेट्स मूव अहेड. टीम रिक्वायर इंटरडिपेंडेंस, मेंबर वर्किंग टुगेदर इन वेज टू अचीव वन और मोर कॉमन गोल. तो पहली चीज़ क्या है, टीम मेंबर्स को एक दूसरे पे डिपेंड होना चाहिए. उसके साथ साथ जो गोल है वो दोनों, मतलब अगर एक नंबर ऑफ टीम मेंबर्स हैं टीम के अंदर, तो उन सबका फोकस एक ही गोल पे होना चाहिए. टुगेदर वी कैन, दैट इज द मोटो. सक्सेसफुल टीम वर्क इज अचीव्ड व्हेन द आउटपुट ऑफ अ टीम इज ग्रेटर देन व्हाट द आउटपुट वुड बी बाय द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर इन आइसोलेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनर्जी. सिनर्जी क्या है, मान लीजिए एक टास्क है, ठीक है, उस टास्क को मैंने 6 मेंबर को दिया. अभी 6 मेंबर में मैंने कहा सब अलग अलग ये टास्क करेंगे, एक ग्रुप तो ये हो गया, मतलब एक चीज़ ये हो गई, मैंने इंडिविजुअली सबको बोला कि आपको भी ये करना है, आपको भी ये करना है, तो 6 के 6 बंदे लगे हुए हैं एक सेम टास्क को करने के लिए. एक तरफ मैंने कहा कि आप 6 को मिलकर के ये टास्क करना है, तो सिनर्जी मतलब क्या है, जब इंडिविजुअल वही सेम टास्क 6 लोग अलग अलग करेंगे, उनका समिशन जो होगा वो कम आना चाहिए एज कम्पेयर टू द जो आउटपुट मुझे मिलेगा टीम के द्वारा, यानी कि जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स सेम टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं उनसे. तो दिस इज हाउ सिनर्जी वर्क. यहाँ पे सिनर्जी काम कैसे करता है, सब इंडिविजुअल मेंबर, यानी कि जो इंडिविजुअल मेंबर अपने अपने इनपुट एक ही जगह दे रहे हैं और मिलकर के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, आउटपुट ग्रो होके आता है. दिस इज व्हाट सिनर्जी इज. सिनर्जी अकर व्हेन ईच इंडिविजुअल टीम मेंबर इज एम्पावर्ड, दैट इज कॉन्फिडेंट एंड एनकरेज टू कॉन्ट्रीब्यूट इन अ मोस्ट इफेक्टिव वे टू द ओवरऑल टास्क ऑफ अ टीम. तो एक टीम बन के काम कर रहे हैं वो, तो डेफिनेटली आउटपुट विल बी सूनर, यानी कि टाइम भी बचेगा, ठीक है, और टाइम के साथ साथ जो एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि सब ने थोड़ा थोड़ा काम बांट लिया होगा आपस में. लेकिन अगर उसी टास्क को 6 लोग अलग अलग कर रहे हो, 6 का जब समिशन निकाला, तो वो जो आएगा वो हमेशा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू द ग्रुप ऑफ मेंबर जब एक साथ वो काम कर रहे होंगे. सो इंट्रैक्शन बिटवीन द टीम मेंबर क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. तो जब सिनर्जी की बात होगी तो इंट्रैक्शन यानी कि कम्युनिकेशन विल बी देयर. सो इंट्रैक्शन होगा यानी कि कम्युनिकेशन होगा, तो वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी सबको एनहांस करके देता है. Now this interaction is unlikely to occur unless all member of a team fully understand their role within the group and how this role might vary depending on the circumstances. अब ये interaction तो हमने बोला कि efficiency और productivity बढ़ाता है, but ये interaction कब हो सकता है, तब जब हर individual member को जो common goal है वो clear हो कि कैसे clear करना है, मतलब कैसे अपने को उस goal को achieve करना है. हर member को उस group के यानी कि team के पता होना चाहिए कि किस तरीके से अपने को proceed करना है, वो ढंग से समझ जाना चाहिए अपना individual role कि मेरा ये task रहेगा. For example wing पे maintenance करने की बात आई,
एक को टास्क दिया कि तू तेरे नाम पे टूल इशू करके ला ओवर, फिर एक बंदे को बोला कि तू विंग के ऊपर रहेगा एंड आई विल सप्लाई द टूल टू वर्क इफेक्टिवली। तो मतलब ऐसे करके छोटे छोटे टास्क बांट दिए गए, या फिर किसी को बोला गया तू होल्ड करेगा, तू नीचे से इसको देगा, तू लैडर लाएगा, ऐसे हर एक बंदे ने एक एक टास्क, उस टीम के हर एक बंदे ने एक एक टास्क अलॉट कर लिया खुद को और फटाफट उस टास्क को फिनिश करने के लिए कोशिश की। अब यहाँ पे ये भी समझना ज़रूरी है कि हो सकता है ड्यू टू सर्टेन रीज़न और सर्कमस्टांसेस एक बंदा नहीं आ पाया या नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जगह उसी टीम मेंबर, मान लीजिए 6 की टीम थी, तो 6 में से अगर एक नहीं कर पा रहा है या नहीं आ रहा है तो उस सर्कमस्टांसेस में कैसे करना है, तो वो 5 क्या आपस में बांट सकते हैं वो काम को, ये भी इंश्योर करना है। देन कॉन्सिक्वेंटली गुड कम्युनिकेशन विद इन द ग्रुप, अ हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस एंड अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय ऑल मेंबर आर प्री रिक्वेसाइट फॉर क्रिएटिंग सिनर्जी। तो सिनर्जी के लिए गुड इंट्रैक्शन यानी कि गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, सिचुएशनल अवेयरनेस यानी कि उस चीज़ के बारे में पूरा अच्छे से सब जानकारी होना चाहिए, थॉरो नॉलेज होना चाहिए, थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डिसीजन जो डिसीजन लिया गया है कि हाँ भाई ये तेरा रोल है, ये तेरा रोल है, उस हिसाब से सबको क्लैरिटी होनी चाहिए, ये सिनर्जी को बना के रखता है। गुड कम्युनिकेशन, सिचुएशन अवेयरनेस और थॉरो अंडरस्टैंडिंग, इट विल क्रिएट अ सिनर्जी। नाउ साउंड टीम वर्क इन एविएशन मेंटेनेंस इज ऑल्सो अ वाइटल एरर मैनेजमेंट टूल। साउंड टीम वर्क यानी कि बहुत अच्छे से काम करना एविएशन मेंटेनेंस के अंदर, वो रोल प्ले करता है क्या, एरर मैनेजमेंट टूल यानी कि एरर को मिनिमाइज करने का काम करता है जो टीम वर्क पॉलिसी है। टीम वर्क पॉलिसी इन द सेंस कि सब लोगों ने उस ग्रुप के सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा काम बांट लिया और मिल करके एक टास्क को निपटा रहे हैं, तो इससे हम लोग जो एरर होने के चांसेस हैं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में हमने बात करी कि जो इंट्रैक्शन है, जो कम्युनिकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनको अपना अपना रोल पता होना चाहिए, उसके साथ ही उन्हें ये भी पता चाहिए डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में अगर ऐसा कोई केस आता है कि एक बंदा नहीं कर पा रहा है तो वो आपस में काम बांट के फिनिश कर सकते हैं क्या। उसके साथ साथ जो भी सिनर्जी को क्रिएट करने के लिए गुड कम्युनिकेशन, सिचुएशन अवेयरनेस और थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। साउंड टीम वर्क जो है यानी कि इफेक्टिव टीम वर्क जो है एरर मैनेजमेंट टूल की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट पीपल आर डूइंग देयर टास्क नाइसली सो दैट जो भी पूरा टास्क यानी कि एयरक्राफ्ट को रिलीज करने का जो टास्क है वो टाइम से हो जाए। ठीक है, सब अपना अपना टास्क प्रॉपरली कर रहे हैं। नाउ वो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीम की, क्या क्या टीम के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो शेयर्ड एंड अंडरस्टैंड अ कॉमन गोल, तो सबको इंडिविजुअल को क्लियर होना चाहिए कि गोल क्या है, क्या अचीव करना है। यू हैव इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड लीडरशिप, लीडरशिप भी इफेक्टिव और बैलेंस होनी चाहिए। देन इफेक्टिव फॉलोअरशिप और टीम स्किल, ये क्या मतलब है, देखिए सेकंड और थर्ड पॉइंट को आप रिलेट कर सकते हैं। लीडर ऑलवेज कम विद अस, मतलब अपने ग्रुप के मेंबर के साथ ही लीडर भी हेल्प आउट करता है, लीडर में ये होता है। फॉलोअरशिप वो है कि लीडर को फॉलो करना, हाँ इस बंदे ने बोल दिया, मान लीजिए अपने ग्रुप में एक बंदे को हमने लीडर बना दिया, हमने उससे सहमत है इन द सेंस ये कह सकते हैं, तो लीडर यानी कि वो बंदा जैसा कह रहा है कर रहा है हम उसके साथ मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रख के काम कर रहे, बट वो भी अपने साथ काम में इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कि वो बैठ गया लाइक द मैनेजर्स। सो इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड लीडरशिप होनी चाहिए और इफेक्टिव फॉलोअरशिप, लीडर्स को ये भी ध्यान रखना है कि जो वर्कलोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, हैव अ शेयर्ड मेंटल मॉडल, शेयर्ड मेंटल मॉडल में ये है कि सबको क्लैरिटी होनी चाहिए कि गोल कैसे और मतलब किस हिसाब से क्लियर करना है। प्रैक्टिस क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि कम्युनिकेशन का क्या रोल है, यहाँ पे सिनर्जी को क्रिएट करने के लिए आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर डेलीगेशन एंड रोल डेफिनेशन, यानी कि सब इंडिविजुअल को अपना अपना रोल पता होना चाहिए और कोई भी आपस में ओवरलोड ना महसूस करे, ये ना हो कि मुझे ज़्यादा काम दे दे, ये पहले डिस्कशन हो जाना चाहिए। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्लियर ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सबको थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अभी हमने बात की, तो यहाँ पे भी
जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो सबको पता होने चाहिए प्रॉपरली, जो भी कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से है. एलोकेट वर्कलोड अप्रोप्रिएटली, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, एंड हैव एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ग्रेडियंट, दैट इज स्टेटस, एज और एक्सपीरियंस. इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में मेरे अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे. हर वीडियो में मैं दो, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में कि क्या कहना चाहते हैं ये ईच पॉइंट्स में, ठीक है. तो ये जो लास्ट पॉइंट है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ग्रेडियंट, मतलब यहाँ पे होता है ना कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा है वो प्रॉपरली काम, मतलब उसको प्रॉपरली जो जूनियर्स हैं वो नहीं फॉलो कर रहे, या फिर कोई जूनियर उसके ऊपर है वो उसको कुछ बताना चाह रहा है, तो ये मतलब कहते हैं एक तरीके से काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा है कि मैं एक्सपीरियंस हूँ मैं उसकी क्यों सुनूँ, या फिर दूसरा मतलब कुछ मन मुटाव चल रहा है, दैट इज़ व्हाट द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ग्रेडियंट. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और पैरामीटर है जो टीम की कैरेक्टरिस्टिक को एनहांस करने में सपोर्ट करता है. ओके, थैंक यू.